जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों व्हाई विनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग बिजनेस। पहले तो मैं ये बता दूं दोस्तों कि आज इस ट्यूटोरियल वीडियो में जो जीरो टू हीरो के तहत है, इसमें ना हम कोई एनालिसिस करने जा रहे हैं, ना कोई स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर आपको कोई टिप्स चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो अभी से वीडियो बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के बिगिनर हैं और सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं कि क्या एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए हमारा माइंडसेट होना चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। चलिए समझते हैं दोस्तों विनिंग वर्सेस लूजिंग इन स्टॉक मार्केट। विनिंग वर्सेस लूजिंग इन स्टॉक मार्केट जब हम ट्रेड करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप सोचिए कि क्या कोई व्यक्ति हर ट्रेड में विन कर सकता है? क्या पॉसिबल है दोस्तों? मेरी नजरों में तो पॉसिबल नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा ट्रेडर है नहीं जो 100% ट्रेड्स में वो विन कर सकता है। हम चाहते हैं, ये हमारा डिजायर हो सकता है कि हम हर ट्रेड में प्रॉफिट करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेस्ट ऑफ द ट्रेडर वर्ल्ड में है उनके साथ में। अगर दोस्तों विनिंग एक ग्रेट एक्सपीरियंस है तो क्या लूज करना टेरेबल एक्सपीरियंस है? एब्सोल्युटली नॉट दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि दोस्तों लूज करने से, जब हम किसी ट्रेड में लूज करते हैं, उससे हम लेसन लर्न करते हैं, उससे हम कुछ सीखते हैं। जो हम विन करते हैं तब हम वो लेसन कभी नहीं सीख सकते हैं। कहां हमारी कमजोरी है लूजिंग ट्रेड से ही पता लगता है दोस्तों। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर विनिंग सो ग्रेट एक्सपीरियंस है, सो ग्रेट थिंग है, तो ये फ्रेज कहां से आया? विनिंग इजंट एवरीथिंग, कहां से आया ये फ्रेज? ये फ्रेज तब आया दोस्तों जब, आप याद कीजिए, इंडिया ने जब 1983 में वर्ल्ड कप जीता था तो कपिल देव और उसकी टीम जो मैच पे मैदान पे उतरी थी वो विनिंग एटीट्यूड के साथ उतरी थी। उसके पहले हमारी टीम जो मैदान में उतरती थी वो पार्टिसिपेट करने के ख्याल से उतरती थी। और ये फ्रेज आया कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ सालों पहले तक आपको याद होगा ओलंपिक में हम मेडल नहीं जीतते थे, तो हम क्या फ्रेज यूज करते थे? पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग और लूजिंग। हम अपने आप को कंसोल करते हैं दोस्तों। वर्चुअली आप देखिए कि जब हम विन करने लगे एशियाड में और एशियन गेम्स में और बैडमिंटन टूर्नामेंट में या फिर क्रिकेट में, तो दोस्तों ये धीरे धीरे माइंडसेट बदला और इवन देश के दर्शकों का माइंडसेट बना कि आप मैच को देखते हैं उस एंगल से कि हमारी टीम जीतेगी। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों फैक्ट ये है कि अगर आप ऑल द टाइम विन करते रहेंगे, सारे ट्रेड में अगर आप प्रॉफिट करते रहेंगे, तो वो जो स्पेशल फीलिंग आती है जीतने की, विन करने की, वो ड्राइव खत्म हो जाएगा। जब तक हम कुछ ट्रेड में लूज नहीं करेंगे, हमें बेहतर होने की वो संभावना और अपॉर्चुनिटी हम मिस कर जाएंगे। इसके अलावा इट बिकम्स इजियर टू स्टॉप लर्निंग। अगर हम हमेशा जीतते रहे, टिप्स पे काम करते रहे और खुदा ना खास्ता लक अच्छा है और टिप्स पे आपने प्रॉफिट कमा लिए, तो क्या होगा? हम लर्न करना बंद कर देंगे, हम निर्भर होने लगेंगे किसी के ऊपर में कि को हमें स्टॉप लॉस बता दे, एंट्री प्राइस बता दे, टारगेट बता दे। और ट्रेडर क्या होता है, जो बिगनर्स होते हैं, अगर वो ऑटो पायलट मोड में आ गए, ऑटो पायलट मोड से मतलब है कि जो कर रहे हैं वो सही है, इंप्रूवमेंट की कोई चांस नहीं है, स्कोप नहीं है, प्रयत्न नहीं है, तो उस समय पे बैड हैबिट्स इनकलकेट होने लगती है और डेवलप होने लगती है और अल्टीमेटली आप उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां इंप्रूवमेंट, लर्निंग, सब कुछ बंद हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों कॉन्स्टेंटली विनिंग अगर किसी ट्रेडर के अर्ली लाइफ में हो गया और उसने पैसे कमा लिए, तो वो बहुत डेट्रीमेंटल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है,
बिकॉज वो ट्रेडर को एक फॉल्स नोशन देता है, सेंस देता है कि अब तो मैं अनबीटेबल हूं, अपनी एबिलिटीज पर जो उसमें है नहीं उससे अधिक उसको विश्वास होने लगता है, नो आई कैन मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। बिना अपने नॉलेज को असेस किए, बिना अपने स्किल को असेस किए ये सारी चीजें हो जाती हैं। विनिंग मोटिवेट तो जरूर करती है दोस्तों। 1983 में कपिल देव की टीम ने जब भारत के लिए वर्ल्ड कप जीता, तब याद कीजिए उसके बाद बैटरी ऑफ क्रिकेटर्स निकले, सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर, सौरभ गांगुली जैसा क्रिकेटर। सौरभ गांगुली जब कप्तान बना उसने फिर इंडियन टीम को सेमीफाइनल फाइनल में लेके गया। महेंद्र सिंह धोनी निकला जिसमें फिर वो विनिंग एटीट्यूड था, जिसने वर्ल्ड कप को जिताया, T20 वर्ल्ड कप को जिताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 1983 के बाद 1985 में इंडिया की टीम ने बेंसन हेजेस को जीता, तो वो विनिंग को जो है वो मोटिवेशन इतना हाई लेवल पे ले जाती है जो आपको ड्राइव करती है। तो विनिंग जब मोटिवेट करती है तो हमें ट्रेड करने में कंटिन्यू करती है, क्योंकि हम विन करना चाहते हैं, हमें प्रॉफिट होने लगता है। जब कंसिस्टेंट प्रॉफिट होने लगता है स्टॉक मार्केट में तो वो एटीट्यूड चेंज हो जाता है ट्रेडर का, और विनिंग जो है हमारे गुड फीलिंग से कनेक्टेड है। जब हम ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं यू फील बेटर, एवरीबॉडी फील्स बेटर, आई फील बेटर। तो ट्रेडिंग बिजनेस में फीलिंग गुड इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच कैन गिव अ स्टॉक मार्केट बिगिनर्स द ड्राइव टू कीप गोइंग ऑन लर्निंग पाथ एंड टू कीप गोइंग ऑन डूइंग द वर्क। एंड फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंट लूजिंग अगर हम करने लगते हैं तो क्या होता है, उस केस में हम एक डिप्रेशन में आ जाते हैं और फिर और गलतियां करने लगते हैं। हम प्रयत्न नहीं करते हैं, लूज करने से हम सीखते नहीं है। हम सीखेंगे तो लर्न करेंगे, सब्जेक्ट को सीखेंगे, दक्षता हासिल करेंगे और स्टडी को अपने बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें क्या होता, अंत में वो व्यक्ति ट्रेडिंग करने को छोड़ देता है और बोलता है आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम डूइंग। Although he is not satisfied, it is the complex which develops into that particular person. Then friends, character building. Character building is very very important. अगर इस जगह पे मैं example देना चाहूं तो भारत के दो example हैं जिन्हें आप भी प्यार करते हैं, मैं भी प्यार करता हूं, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन। सचिन तेंदुलकर को जब एल्बो का प्रॉब्लम हुआ था तो नेवर क्विट एटीट्यूड से, क्या आप जानते हैं कि एल्बो का प्रॉब्लम इतना सीवियर हो गया था कि एक बच्चा जब बॉलिंग उसको फेंकता था ही वाज नॉट एबल टू बैट, लेकिन उसने मेहनत की और वापस आया और बहुत विगर के साथ वापस आया टीम में, और हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने क्रिएट कर दिया। अमिताभ बच्चन -100 करोड़ के डेट में चला गया, फिर वापस आया धमाकेदार, और आज 80 साल की उम्र में भी जो एनर्जी है वो हमें इंस्पायर करती है। करती है दोस्तों, अगर सचिन तेंदुलकर की स्टोरी और अमिताभ बच्चन की स्टोरी, तो इस वीडियो के कमेंट्स में अवश्य कमेंट्स कीजिएगा। तो दोस्तों श्योर, लूजिंग यूजुअली डज नॉट फील अ ग्रेट। जब हम लूज करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग में मदद करता है। मैं दुनिया के किसी ट्रेडर को नहीं जानता हूं जो इनिशियली उसने लूज ना किया हो। अंतर सिर्फ एक अच्छे ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में ये होता है कि हर आदमी बिगनर होता है, लेकिन जब वो लूज करता है तो वो अपनी गलतियों का आकलन करता है। सचिन तेंदुलकर भी जब किसी मैच में अच्छा नहीं खेलता था तो अपने वीडियो क्लिपिंग्स को वो देखता था ताकि उसको स्टडी कर सके, वेयर डिड ही कमिट मिस्टेक, एंड दैट इज हाउ यू इंप्रूव इन द नेक्स्ट मैच। उसी तरीके से हमें अपने ट्रेड से अगर हम सीखते नहीं है तो फिर तो दोस्तों कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कोई कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होगी। दोस्तों यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉस से डील करना ही कैरेक्टर बिल्डिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन हो सकता है लूज करना। मेरे जो क्लोज लोग हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से 3 घंटे में मैंने एक ट्रेड में 4.75 लाख कमाए थे और अगले 2 दिन में उससे अधिक नुकसान कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने लेसन सीखा कि मैं ट्रेडिंग की दुनिया में कदम नहीं रखूंगा जब तक
मैं टेक्निकल एनालिसिस में वो दक्षता हासिल नहीं कर लूं, पढ़ाई करके चार्ट के ऊपर मैं प्रैक्टिस करके उसके बाद वर्चुअल मनी पेपर ट्रेडिंग करके तब तक मैं कदम नहीं रखूंगा दोस्तों। तो डीलिंग विद द लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हम एज ए ट्रेडर सीखते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लूजिंग अ ट्रेड और अ फ्यू ट्रेड्स में हमें नुकसान हो गया इज नॉट दैट द ट्रेडर इज लूजिंग और फेसिंग अ डिफीट, एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन एंड पिक हिमसेल्फ अप और हर सेल्फ अप बैक इन टू द गेम इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, बोथ एज अ ट्रेडर एंड बोथ एज अ पर्सन। ये पर्सन की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में लेता है, सीखता रहता है, कभी स्टॉप नहीं करता है। दोस्तों एम क्या होना चाहिए? आप अगर स्टॉक मार्केट के बिगिनर हैं तो इन एम से अपने आप को डेविएट मत करिएगा। आपका एल्डर ब्रदर बोलिए, पेरेंटल रूप में देखना है देखिए, लेकिन इन एम को दिमाग में जरूर रखिएगा। नेवर स्टॉप लर्निंग। आप अगर पैसा कमा भी रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो लर्निंग कभी भी बंद नहीं कीजिए। आप अगर लर्निंग बंद कर देंगे तो जिंदगी भर आप इस आशा में रहेंगे कि कोई आपको ये बता दे कहां मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, कहां टारगेट रहेगा, मैं अब क्या करूं, मैं इसमें कैसा करूं। ये हमेशा जिंदगी भर आपको प्रॉब्लम रहेगा। आप सोचिए, जब सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करते हैं तो क्या वो अपने कोच के पास पूछने जाते हैं जब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की स्पीड से बॉल आ रही है, इस बॉल को मैं फेस कैसे करूं, थोड़ा बताओगे? तब तक तो मुंह टूट जाएगा। तो दोस्तों ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम करें। अब प्रोफेशनल ट्रेडर क्या है? प्रोफेशनल ट्रेडर जैसे प्रोफेशनल इंजीनियर होते हैं, प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं, तो प्रोफेशनल एथिक्स एंड एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विनिंग इज अ हैबिट एंड सो इज लूजिंग। सो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड जर्नल मेंटेन करें। मैंने देखा है कि कितने भी लोगों को बताया जाए ट्रेड जर्नल मेंटेन करने के लिए, अगर उनमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है दे विल नेवर मेंटेन। एंड ऑलवेज हैव अ प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और वो तभी पॉसिबल है जब आप सीखेंगे। प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइए एडवांस में, ट्रेड में एंट्री करने के बाद मत सोचिए कि अब करना क्या। इसके अलावा दोस्तों प्रिसाइज एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड। हम जब ट्रेड में एंटर करते हैं तो बहुत प्रिसाइज चीजें रहती हैं। स्टॉप लॉस इस लेवल पे ट्रिगर हो जाएगा, उसको हम टर्मिनल में डाल देते हैं। टारगेट इस लेवल पे आएगा, हम प्रॉफिट बुक करेंगे, हमें कंफ्यूजन नहीं रहता कि हम स्विंग ट्रेडर हैं कि पोजिशनल ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर हैं। ये कंफ्यूजन अगर आप में है तो आप प्रोफेशनलिज्म से बहुत दूर हैं, ये पक्का मान के चलिए। अब दोस्तों रिव्यू करना बहुत जरूरी है ट्रेड जर्नल को, क्योंकि ट्रेड जर्नल ही तो आपको बताएगा कि किस ट्रेड में आपने लूज किया है और क्या गलतियां की हैं। विनिंग ट्रेड आपको कुछ नहीं बताएगा। तो किस स्ट्रेटजी के तहत आपने एंट्री की, तो उसे समय समय पर रिव्यू करें कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आप अपने वीकनेस पे काम करें ताकि वो वीकनेस आगे समय पे वो वीकनेस ना रह जाए। जिंदगी भर उस वीकनेस को लेके नहीं आगे बढ़ना है, जो स्ट्रेंथ है उसे लीवरेज करें। एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस विल कंटिन्यू, और इसी कारण से लर्निंग कभी बंद नहीं होती है दोस्तों। बुक्स पढ़ के लर्न करें या फिर वीडियो देख के लर्न करें। आपके चैनल पे जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट है, कंप्लीट ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट है, उसे देख के लर्न करें, चैट पे प्रैक्टिस करें, और क्या तरीका हो सकता है लर्न करने का। सो फ्रेंड्स विशिंग यू ऑल द बेस्ट टू डू वेल ऑलवेज, हैप्पी लर्निंग। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। हैप्पी लर्निंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू वेरी वेरी सून। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।